पटना में सीएम नीतीश कुमार ने निकाली भड़ास, शरद यादव पर साधा निशाना, कहा साझी विरासत की बात करने वाले बढ़ा रहे परिवारवाद। मसौढ़ी कोर्ट में पेश हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में हुई पेशी, दोनों मामलों में मिली राहत। रांची कोर्ट ने राजा पीटर को 4 दिन के रिमांड पर भेजा, एनआईए ने मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। पीटर पर है पूर्व विधायक रमेश सिंह की हत्या का आरोप। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया विवादित बयान, कहा बिहार के लोगों से बढ़ती है दिल्ली के एम्स में भीड़, कांग्रेस ने पीएम से किया बर्खास्त करने की मांग। रोहतास के बंद दुकान में फटा बम, बम की चपेट में आने से 2 लोग घायल, दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेतिया में न्यूज इंडिया की खबर का असर, बाढ़ राहत पैकेट में सड़ी खाद्य सामग्री बांटने का मामला, प्रशासन ने लिया संज्ञान, सभी पैकेट बदले गए। लोहरदगा में ट्रेन से करीब 25 लड़कियों को कराया गया रेस्क्यू, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने की कार्रवाई, मानव तस्करी का है मामला। गोधरा रेल अग्निकांड को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 आरोपियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, ट्रेन में 59 लोगों की हुई थी मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार कांग्रेस की फूट अब सड़क पर तमाशा बन रही है, अनुशासन कहीं खो गया है और अब गुटों की लड़ाई कुर्ता फाड़ हो गई है, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है, एक खेमा अशोक चौधरी का है और दूसरा आलाकमान के विश्वसनीयों का। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी, बैठक में अशोक चौधरी खेमा भी पहुंच गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के सदाकत आश्रम पहुंचते ही सदाकत आश्रम का मेन गेट बंद कर दिया गया। इसी बात को लेकर सदाकत आश्रम के बाहर अशोक गुट ने जमकर हंगामा किया, हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी बुला लिया गया। आरोप है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी के पहुंचते ही दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और जमकर हाथापाई की गई। विवाद का कारण ये था कि गेट से सिर्फ कादरी गुट के नेताओं को ही अंदर जाने की इजाजत थी, जबकि चौधरी गुट के नेताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इस अपमान से आहत होकर भागलपुर से आए कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के मेन गेट पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। क्यों लगा दी? इसलिए कि इतना आदमी, जब उनका जितना विधायक है उनके साथ 5-5 आदमी किया, सदानंद सिंह चले गए, हम लोग भागलपुर से चले गए, हम लोग वोटर नहीं, हम लोग सपोर्टर है का, हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान का है का, कि हम भी तो हिंदुस्तानी है, हमारा सदाकत आश्रम है का, क्या उसी का हका? उनका आदमी चला गया, हमारा आदमी उनका आदमी को सबको रोक दिया, हम लोगों को नारा लगा रहे, जब हमको नहीं जाने दे, हम लोग 20 आदमी बाकी सब लोग चले गए, बोलो उसका दोस्त था सदाकत आश्रम का, नेता का दोस्त है, नारा तो हम लगा दे, लगाते रहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद लगाएंगे, सब दिन लगाएंगे, हम नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हम लोग को लाठी लगा, लाठी मारा, क्या मारा लाठी? हम उसे खाए का, हम लोग खिला रहे हैं, खाए नहीं है? आप तो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, किसको कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, लेकिन आप छोड़ दिया, लाठी लगा, काहे लगा लाठी? इतना 20 आदमी को आपने छोड़ भगा दिया और बाकी सबको भीतर कर दिया, क्या हम ही लोग से दुश्मनी आपको? बंद गेट के भीतर कमरे में कादरी खेमे की बैठक चलती रही और गेट पर तमाशा होता रहा।
गेट के अंदर जाने की मशक्कत में चौधरी खेमे के कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार मिश्रा के साथ इतनी हाथापाई हुई कि उनका कुर्ता फट गया। जितेंद्र ने कादरी खेमे के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। नशागर्दी हो रहा है, लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग किया। किसने मारा आपको? किसने मारा? किसने वहाँ बैठे उनके गुंडों ने हमें मारा। हमने हम मरते तो हमें ऐसे ही सब बहुत सारे लोग अंदर है जो मार रहे हैं कार्यकर्ता। लोग मार रहे हैं? किनके लोग मार रहे हैं? इनके लोग है वहाँ पे अंदर, जिनका अध्यक्षता चल रहा है उनकी लोग होंगे बिल्कुल। उधर पूरे मामले से बेहद आहत हुए अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी की जी जान से सेवा की और राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनके साथ गलत किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जानबूझ करके डेलीगेट लिस्ट से काटा गया है, जबकि संवैधानिक रूप से DRO और चुनाव अधिकारियों ने उनको डेलीगेट बनाया है, वैसे लोगों का नाम काट दिया गया है। हम लोग राहुल गांधी के समर्थक हैं, राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग असंवैधानिक रूप से ये काम करना चाहते हैं, इसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कि आप डेलीगेट का लिस्ट नहीं जारी किए, तो आप ऐसी बैठक कैसे कर सकते हैं? हम लोग मतलब आपके साथ कौन कौन लोग हैं? सारे लोग। बहरहाल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शकील अहमद ने पूरे मामले पर कहा कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बोलने वाले और पार्टी विरोधी काम में लिप्त होने पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। सदाकत आश्रम में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था। उन्होंने किसी भी तरह की मारपीट की घटना से इनकार किया। अभी तो लिस्ट ही हम लोगों ने भी नहीं देखा है, लिस्ट ही नहीं जारी हुई है। अभी तो ये आम कांग्रेसियों की बैठक थी जिसमें उनको प्रस्तावित करना था, अभी लिस्ट हम लोगों ने भी देखा है। ईमानदारी यहाँ कोई बता दे कि उसने खुद से लिस्ट देखा हो और ऑफिशियली लिस्ट रिलीज हो। लेकिन गेट पर तो सूची बनाई गई थी डेलीगेट की, बोलने दो, और डेलीगेट की सूची बनाई गई थी और कहा गया था कि जो डेलीगेट है वही अंदर जाएंगे। ये अध्यक्ष जी को कुछ खबर होगी कि कुछ लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आज था कि कांग्रेस के AICC को अधिकृत करना था और राहुल गांधी जी की सभी कांग्रेसियों की, चाहे वो इस ग्रुप के हो, उस ग्रुप के हो, किसी ग्रुप के नहीं हो, सबकी इच्छा है कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बने और AICC को अधिकृत किया जाए। वो अधिकृत हुआ है। नहीं मारपीट भाई मैंने नहीं देखा, मुझसे मैंने नहीं देखा मारपीट। अरे स्वाभाविक रूप से जहाँ आकर्षण है वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ होती ही है। फिलहाल नीतीश की एक चाल के बाद महागठबंधन तो टूटा ही, कांग्रेस भी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। और अब इस कुर्ताफाड़ हंगामे के बाद कांग्रेस का हाल सूबे में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस में चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने चुटकी ली और ये बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी को सम्मानजनक रूप से पद छोड़ने की सलाह दी। काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस जो है कांग्रेस सब धीरे धीरे खत्म हो गई है, उसमें तो अब कोई जान है नहीं। तो अशोक चौधरी को भी कि इनको निर्णय लेना चाहिए, बेइज्जती शेड्यूल कास्ट दलित समाज करके कोई बेइज्जत कर रहा हो तो इनको बेइज्जत अपमानित होकर के वहाँ क्या कहते हैं रहना ठीक है या सम्मान के साथ निकलना ठीक है, तो उनके ऊपर में। पटना सदाकत आश्रम में हुए हंगामे को लेकर RJD विधायक शक्ति ज्ञातव ने कहा कि किसी भी हद तक ये पार्टियां जा सकती हैं। भाजपा के गुंडों ने मिलकर करके वहां पे नारा लगाया, वहां कोई कांग्रेसी नहीं थे, जानबूझ करके ये लोग चारों तरफ देश में चारों कोना चित हो रहे हैं, NDA हो रही है, जनता भी उनको वोट द्वारा करने जा रही है, अनैतिक लोगों को। कोई आइडियोलॉजी इन लोग का है जी, अपने सुविधा के लिए दुनिया के हर कुकर्म करने के लिए तैयार है ये लोग। देश को कुछ मिला है क्या? डिलीवर हुआ देश को, जनता पीपल को बता दे हमको, कुछ हुआ है क्या? बिहार के CM नीतीश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए RJD पर भड़ास निकाली। नीतीश कुमार ने कहा कि सिद्धांत लोकलाज और साझी विरासत की बात करने वाले ही परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए अपने
सिद्धांत को उन्होंने छोड़ दिया। जब हम लोग महागठबंधन में थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और आरोप ऐसे लग रहे थे जिसका उत्तर वो देना नहीं चाह रहे, और हम लोगों का कहना यही था कि भाई आप एक्सप्लेन तो कर दीजिए, तो एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं। तो उस समय हमने बार बार कहा कि भाई आप ही रोज भाषण देते थे कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, कि कौन सा सिद्धांत, लोकलाज को भुलाकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के राह पर चलने वाले के पीछे लघु बन जाइए, और वो सिद्धांत की राजनीति है। और जो परिवारवाद, वंशवाद, और ये आजकल ये साझी विरासत की बात करें, साझी विरासत कुछ नहीं, वंशवाद परिवारवाद यही है साझी विरासत। इसलिए जिस रास्ते पर खुद हैं अपना देखें, लेकिन कोई ये कहे तो ये बात उचित नहीं। यहाँ हम लोगों ने जो भी फैसला लिया है वो बिहार के हित में फैसला लिया है, और आप लोगों को इच्छा करे सर्वेक्षण करा लीजिए, बिहार में सर्वे करा लीजिए कि हम लोगों का डिसीजन जो है वो बिहार के हित में है या नहीं। बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से ऐतराज पर सर्वे कराए जाने के सियासी सुझाव पर आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी नेता शक्ति यादव ने कहा कि जनता आरजेडी के साथ है, अगर सर्वे कराना था तो चुनाव ही करा लेते, पता चल जाता। ऐतराज है तो कहले गए थे, कहे गए, इनको बड़ा घमंड है तो अनैतिक गठबंधन क्यों किए, चुनाव में चल जाते ना। दलील दे रहे हैं, कोई दलील सुनने के लिए तैयार है? नैतिक रूप से कितना साख खत्म हुआ है पता नहीं चल रहा है, आकलन नहीं कराया जाता है? पहले आकलन करा लें कि साख क्या बचा है, सब कुछ सत्ता ही है क्या? पटना में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी झूठ बोलने वालों के पद्म श्रेणी के हकदार हैं। सुशील मोदी ने लालू पर जमीन लेने के आरोप लगाए थे। और एनडीए की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुशील मोदी जी, तो इनका जो कृत है रोज का, मुझको लगता है कि पता नहीं जिंदगी में कभी सत्य बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या गोबल्स की आत्मा इनमें समाई हुई है, या गोबल्स जो है इनके आदर्श पुरुष हैं, या फिर ये बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसको से इतना डरे हुए हैं कि लगता है कि आज ये चीज नहीं बोलेंगे तो उनका जो लगता है कि खाना ही नहीं पचेगा, अनपच हो जाएगा। 14 अक्टूबर को होने वाले पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर साइंस कॉलेज के साज सज्जा का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अलावा जिला और पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। कार्यक्रम में लगे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मंच तैयार किया जा रहा है। चौदह अक्टूबर को पटना दौरे के दौरान विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। डीएम संजय अग्रवाल, एसएसपी मनु महाराज सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। डाइवर्ट करेंगे 14 तारीख को, इसके लिए पूरा ट्रैफिक प्लान ट्रैफिक एसपी के माध्यम से बनाया जा रहा है और इसको हम लोग पब्लिश भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो और जो भी माल डाइवर्ट किए जाएंगे उसकी प्रॉपर सूचना एडवांस में दी जाएगी, और जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं क्योंकि इस इलाके में अस्पताल भी है तो उनको एम्बुलेंसेस को पूरी छूट रहेगी, वो अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस को पूरा छोड़ा जाएगा, या अन्य किसी वाहन में भी मरीज हो तो उनको हम लोग अलाउ करेंगे ताकि वो अस्पतालों तक पहुँच पाए। पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, हम लोग जायजा ले रहे हैं पूरी तरह से, ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए सूक्ष्म बिंदुओं पे हम लोग जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, और देख रहे हैं कि एंट्री एग्जिट गेट्स कहाँ होनी चाहिए, कितना फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। उसके बावजूद यहाँ पे जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी घना एरिया है, पॉपुलेशन की डेंसिटी काफ़ी हाई है, तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव ना हो उसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव्स चलवा रहे हैं, होटल चेकिंग्स के ड्राइव्स चलवा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड,
तो सब बिंदुओं पे हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं और हम लोगों को विश्वास है कि अच्छे से इस प्रोग्राम को ट्रैफिक एज ए ट्रैफिक एस पी आपको लाइक एन इश्योर है कि हमारा ट्रैफिक प्लान सबको प्रॉपरली ब्रीफिंग भी करते हैं और हम ये ब्रीफ करेंगे कि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, कम से कम लोगों को जाम में फंसना पड़े, कम से कम देर के लिए गाड़ियाँ रोकी जाए। पीएम मोदी के पटना दौरे से पहले बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बिहार के सियासी फिजाओं में विशेष दर्जा और स्पेशल पैकेज की चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है। स्पेशल पैकेज भी जो है उस पर काम शुरू हो गया है और नेशनल हाईवे में जो बड़ी राशि दी गई जा करके है, नेशनल हाईवे 83 दोभी टू पटना का 4 लेन का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे 82 उसमें काम चल रहा है जा करके है, एम्स है जा करके, उसके लिए जमीन केंद्र सरकार ने मांगा है। तो जो राशि भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था बिहार के पैकेज के लिए, उस पैकेज पर काम चल रहा है और निश्चित तौर पर पूरी की पूरी राशि भारत सरकार बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है बिहार की सरकार को। न बिहार को कोई सौगात मिलना है और न ही विकास होना है बिहार का। नरेंद्र मोदी जी आएंगे यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में किए गए कार्यों का उद्घाटन करने के लिए, पुल का, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर फिर पलटी मार गए नीतीश कुमार, एक बार फिर पलटी मारे। अब केंद्र में राज्य में दोनों में सरकार है ना, अनैतिक गठबंधन हुआ ना बिहार में, तब विशेष राज्य के दर्जे पर पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या मिला? कहीं मिल रहा है केंद्र से सहयोग, क्या मिला? 500 करोड़ रुपया कहते कि देंगे, बाढ़ के समय में आए, आपदा के समय में 200 करोड़ अभी तक नहीं पहुँचा। तो ये लोग, अनैतिक गठबंधन हुआ है, अनैतिक सरकार बनी है और इससे बचने के लिए अपने लोग दलील दे रहे हैं। इनकी दलीली अब जनता में चलने वाली नहीं है। पटना प्रदेश आरजेडी कार्यालय में युवा आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला में संलिप्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हुई है उस घोटाले को रफा दफा करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव थे उनके नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दिया, कोरम पूरा कर दिया, उस जो है जांच को रफा दफा उस मामले को कर दिया और उस घोटाले में जो भी जो जिनकी भूमिका थी उनको बचा लिया गया। इसलिए उस घोटाले की भी जांच हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में उच्च स्तरीय जांच चाहते। मसौढ़ी में कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव की पेशी हुई। दोनों ही मामलों में रामकृपाल को राहत मिली। भगवानगंज थाना 12-9 में जो आरोप था, आज उस आरोप से माननीय न्यायालय ने मुक्ति दी। साक्ष्य अभाव, साक्ष्य कोई नहीं था, आरोप बिल्कुल बेबुनियाद था और आज माननीय न्यायालय ने हमें दोषी मुक्त कर दिया। पटना में 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर छात्र जनता दल की ओर से दहेज प्रथा के विरोध में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान से मिलर हाई स्कूल तक ये रैली होगी। दहेज प्रथा के विरोध में सभी लोगों को शपथ भी दिलाई जाएगी। हाजीपुर की वैशाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रोड लूट गिरोह के 9 सदस्यों को पूर्वी चंपारण के चीनी मिल से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बेतिया जिला के मंझरिया से भी लूट के गिरोह को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पिछले महीने 21-9 को भगवानपुर क्षेत्र में एक पिकअप वैन छीना गया था जिसमें सीसा लोड था। उसी के अनुसंधान के लिए हम लोगों ने एक टीम SIT के रूप में गठित की थी SGPO सदर के नेतृत्व में, जिस टीम में भगवानपुर, गरौल और इसके अलावा वैशाली के थानाध्यक्ष थे। इसके अलावा टेक्निकल टीम की भी टीम थी और जो हमारा साइबर यूनिट है और TIU की टीम है उसके सदस्य भी इसमें
शामिल थे। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को मोबाइल सर्वलांस के आधार पर और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर टावर डम से कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे, जिससे ये पता लगा था कि ये जो कांड किया गया है ये कांड बेतिया और मोतिहारी के अपराध कर्मियों के द्वारा किया गया। पटना में द्वितीय संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की मेधा सूची को जारी करने की मांग को लेकर बीएसएससी कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों ने धरना दिया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। तरह फिर से चेयरमैन सर ने हमसे वायदा किया एक सप्ताह के अंदर कुछ नोटिफिकेशन आने का, पर आप देख सकते हैं लगभग एक महीने होने को, और ऐसा नहीं है कि ये उनका पहला कमिटमेंट था। उनका बार बार अपने कमिटमेंट से मुकरना उनके पद की गरिमा को ख़त्म करता है, और साथ ही हम सबों को बहुत दुख पहुंचाता है, क्योंकि हम जब उनसे मिल के जाते हैं वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, फिर हमें लगता है कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, पर फाइनली वेट करते करते दुर्गा पूजा तक उन्होंने कहा कि कुछ ना उसके बाद भी छात्र आके मिले तो दुर्गा पूजा तक आएगा, या उसके बाद जैसे ही आयोग खुलेगा तो आएगा। और फिर अचानक से अभी दो दिन पहले जब छात्र मिलने आए तो सचिव महोदय का स्टेटमेंट था कि दिसंबर में रिजल्ट प्रकाशित होगा, जबकि ये वही सचिव महोदय हैं जो पिछले बार कहते कि रिजल्ट बन के बिल्कुल रेडी है, कभी भी प्रकाशित हो सकता है। तो एक्चुअल में हम लोग कारण समझ ही नहीं पा रहे, जब सब कुछ डन है, आपने दोबारा से जाँच करवाई, सब कुछ मेरिट लिस्ट तैयार है, तो फिर आप प्रकाशित क्यों नहीं करें और बार बार झूठा कमिटमेंट क्यों कर रहे हैं। पटना में शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थियों ने कार्यालय के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसईबी पर धांधली और गलत नीति के तहत बहाली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसईबी अध्यक्ष की लापरवाही के कारण हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर है। हमने आनंद किशोर जी से भी मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकलता नहीं आ रहा है। बोर्ड ने जब परीक्षा लिया 2017 के जुलाई में बीटीईटी का, तो उसमें हर प्रश्न पत्र के हर सेट में कुछ न कुछ सवाल गलत थे, और उन्होंने हमने कहा कि जब सवाल गलत थे विद्यार्थी उस सवाल को हल करने में उलझे रहे, उनका समय भी बर्बाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनका कहना था, बोर्ड का कहना था कि हमने जितना क्वेश्चन गलत था उसको हटा करके रिजल्ट जारी कर दिया गया। बेतिया में न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज इंडिया ने पश्चिमी चंपारण में बाढ़ राहत पैकेट बांटने को लेकर खबर दिखाई थी, जिसमें पैकेट में रखे सामग्री के सड़ जाने की जानकारी थी। प्रशासन इस खबर को लेकर सख्त हुआ और संज्ञान लेते हुए सड़े खाद्य सामग्री को बदलने का आदेश जारी किया गया। न्यूज इंडिया ने इस बात को उठाया और डीएम साहब ने संज्ञान लिए और सब जगह बदला गया, ब्लॉक से लेकर पंचायत तक सारे पैकेट हटा दिए, इतने सारे पैकेट उसको हटा दिया गया और नया सा पैकेट बांटने की तैयारी हो रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना कलेक्ट्रिएट घाट से लेकर गाय घाट के बीच लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तक गंगा में सैर करने के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा पाथवे बनकर लगभग तैयार हो चुका है। कुछ ही महीनों में पटनावासियों को ये सौगात मिल जाएगी। मुख्य तौर पर छठ पूजा के दौरान इन जगहों पर अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। पैदल यात्रियों को आने जाने के लिए इस पाथवे से बड़ी राहत मिलेगी। वुडको के अधिकारियों की माने तो 80% काम पूरा हो चुका है। जून 2018 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट नमामि गंगे के अंतर्गत है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार 70-30 के एवरेज में बना हुआ है। 70% भारत सरकार को देना है, 30% जो है बिहार सरकार का इसमें फंड लगा हुआ है। ये प्रोजेक्ट को जो है जून 2018 तक बनना है, क्योंकि अभी बालू की समस्या इसमें आ गई थी, इसीलिए बालू के कारण जो है अभी कुछ कार्य जो है मेन कार्य जो है वो अभी बाधित है, लेकिन हम लोग जो उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है, रेलिंग लगाना, छठ में सफाई सुथरा ये सब कर देना, इसके लिए हम लोग अभी से ही इस पर जो है कार्य लगा दिए हैं। मोतिहारी के ढाका से आरजेडी विधायक फैसल रहमान से दो बार रंगदारी मांगे जाने के बाद भी पुलिस का इस रवैये को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। विधायक ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
जिले के 4 विधायकों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसमें पुलिस को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर रंगदारी मांगने वालों को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आरजेडी आंदोलन करेगी। हमारे विधायक के से जो रंगदारी मांगा गया है और हत्या की जो धमकी दी गई है, अगर एक सप्ताह के अंदर उन अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण में आंदोलन छिड़ेगी। और जो हालात पैदा है, हमारे एक और विधायक एज्जा जादव से कल मांग कर दिया गया है, अगर फैसल रहमान जी के जो धमकी देने वाले अपराधी हैं उनको अगर एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार नहीं किया यहाँ की प्रशासन, तो राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण आंदोलित होगी और तब तक आंदोलन करेगी जब तक सरकार की रीढ़ें टूट नहीं जाए और अपराधी गिरफ्त में नहीं आ जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर को एनआईए ने रांची कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद राजा पीटर को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया। एनआईए ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। विधायक रमेश सिंह हत्याकांड में एनआईए ने रविवार देर रात राजा पीटर को हिरासत में लिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे और उनकी कंपनी पर लगे आरोप के बचाव में अब बीजेपी के नेता भी जुट गए हैं, जिसको लेकर सोमवार को सूबे के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने अमित शाह के बेटे और उनकी कंपनी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें एक षड्यंत्र के तहत सनसनी फैलाने के लिए किया गया है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अब उनको ऊपर कहा गया कि भाई कोऑपरेटिव बैंक से जो उन्होंने लोन लिया तो बिना किसी गारंटी के लोन दे दिया गया, जबकि जय शाह ने स्पष्ट कहा है कि उसके लिए पैटर्नल प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के बाद वहाँ से लोन लिया है। जो लोन लिया है उस पर व्यवसायिक दर से उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया है। धनबाद चंद्रपुरा लाइन बंद होने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। रेलवे मंत्रालय ने धनबाद के लोगों को बड़ा झटका दिया है। मंत्रालय ने धनबाद से दिल्ली जाने वाली एकमात्र दुरंतो एक्सप्रेस को अब धनबाद से छीनने की घोषणा कर दी है। मंत्रालय के फैसले के बाद राजनीति फिर से चरम पर है। हमने कहा कि बवाल हो जाएगा पूरे धनबाद में। हावड़ा राजधानी दुरंतो जो 3 दिन चलती है, 1 दुरंतो है, और इसके बारे में मंत्री जी से बात करके इसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं, हमको लगता है कि धनबाद स्टेशन ही को बंद कर देगा। जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि अब आग लगा हुआ है तो पूरे ही क्षेत्र में आग लगा हुआ है, उसका आग लगने का कुछ उपाय ढूंढना चाहिए कि क्या किया जाए। उसके बजाय जो है आहिस्ता आहिस्ता सब ट्रेन को बंद कर रहे हैं। रानीगंज से इधर आग ही है तो इधर आने का ट्रेन सवाल कहाँ, आसनसोल से डाइवर्ट कर दे सब उस ट्रेन को। मेरे कहना है कि ये चीज़ कोई मतलब कि रेलवे बोर्ड के लिए कोई शोभा नहीं दे रहा है, रेलवे मंत्री को शोभा नहीं दे रहा है। धनबाद ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेशन को, अच्छी अच्छी ट्रेन है, आहिस्ता आहिस्ता बंद की जा रही। बढ़ते हैं आगे। जमशेदपुर में महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने घाटों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कोल्हान आयुक्त ब्रजमोहन, डीडीसी सूरज कुमार, एडीएम सुबोध कुमार और जिस्को के अधिकारी भी मौजूद रहे।
सभी छठ घाटों के साथ ही जमशेदपुर शहर के सबसे बड़े छठ घाट सोनारी दुमुहानी और मानको घाट का भी निरीक्षण किया गया। और ये बेरी ड्राइव होते हुए जितनी भी घाट है इसके किनारे किनारे वो सारे घाटों का हमने निरीक्षण किया है। और ये हमारी तैयारी है, एडवांस प्लानिंग समझिए इसको, कि हम सारे घाट को ठीक ठाक कर लें समय से पहले, क्योंकि अचानक सब कुछ ठीक नहीं हो पाता है, कठिनाई होती है। ठीक तो हम लोग कर ही लेते हैं लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस घाट को भी देख रहे हैं और हम लोग ये चूँकि सबसे बड़ा घाट है ये और दुमुहानी, हमको जो समझ में आया वो दोनों घाट बड़ा घाट है और तो दोनों जगह की व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं। पलामू के छतरपुर में 4 अक्टूबर को कवल पंचायत के रहने वाली गरीब आदिवासी दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। उस मामले में 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। चतरा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होता देख मामले को लेकर न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई, जिसके बाद न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय टीम को रांची के रिम्स भेजा। इस घटना में पुलिस के जवान की भी संलिप्तता सामने आई है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाज भी सही चल रहा है यहाँ पे रिम्स में, आकर के 4 दिन हो चुका है। पुलिस ने बोला था कि 3 दिन के अंदर हम उसको टाइम लेते हैं, उसके बाद में हम गिरफ्तार करेंगे उसको। 3 दिन के टाइम लिया था पुलिस ने, अभी तक काम। जिला प्राधिकार के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही संज्ञान लिया गया कि जल्दी से जल्दी पीड़ित को किसी भी तरीके से हर कीमत पे उसकी मदद करने की कोशिश की जाए, उसी के लिए हमको आदेश हुआ। तो हम इससे पूरी पूछताछ के लिए इधर में आए हैं और इससे पूरा पूछताछ कर रहे हैं, स्वतः संज्ञान लिया है। रांची के CCL के सामने राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों सदस्यों ने BJP सरकार के खिलाफ धरना दिया। मजदूरों ने कहा कि देश में जहां भी बिना सेफ्टी के मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराए जाएं। उनका जो एग्रीमेंट उसको हम वाच कर रहे हैं, इसलिए आज उनके पक्ष में हम इतना बड़ा प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं, ठीक है ना? उस पर मेरा भी साइन है और वो एग्रीमेंट गलत ना करें इसलिए आज बताने आए, ठीक है? और यदि गलत हो जाएगा तो हम 16 से 18 तक वर्क टू रूल करेंगे, वर्क टू रूल सेफ्टी के साथ काम होगा तो 10% इनका प्रोटेक्शन रह जाएगा पूरे। 3 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जमशेदपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास चक्का जाम किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहनों को भी सड़क पर घंटों के लिए रोक दिया। काफी देर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर एसोसिएशन के सदस्यों को मनाया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा GST जो हम लोगों के ऊपर गलत ढंग से लगाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। फिर जो डेली डीजल का दाम में बढ़ोतरी हो रहा, कभी कमी हो रहा, इससे ट्रांसपोर्टर अजमसज की स्थिति में रहता है। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि इसको GST के दायरे में लाया जाए और हर 3 महीने पर इसका भाव का निर्धारण किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टरों को इसमें सुविधा हो। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के टायो कंपनी के बंद होने पर वहां के मजदूर बकाया वेतन और नौकरी की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों आंदोलन कर रहे टायो कर्मियों पर देर रात पुलिस की कार्रवाई में कई टायो कर्मचारी, महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए थे। आज 5 नामजद आरोपियों को सरायकेला सिविल कोर्ट से बेल दिया गया है। हम लोग जो आज जो है बेल करवाने के लिए आए थे, 947 GR केस नंबर में हम लोगों का सबका बेल हो चुका है और कानून पे हम लोग विश्वास करते हैं और कानून हम लोग के लिए जो भी करेगा वो निष्पक्ष करेगा और हम लोग के पक्ष में ही करेगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन, धरना व प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे और प्रशासन, टाटा प्रशासन और जिला प्रशासन, सरायकेला जिला प्रशासन दोनों मिलजुल करके
ये हम लोग के ऊपर अत्याचार किया। एक घायल हालत में हिरण को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था, जिसका उचित इलाज करने के लिए टाटा जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर भेजा गया। कहाँ पर मिला है? वे तो मुझे सही ढंग से जानकारी नहीं दिया गया है, वहाँ का स्टाफ लेके आए थे, खरसवां रेंज है, खरसवां रेंज क्षेत्र के रेंज पदाधिकारी के स्टाफ के द्वारा यहाँ पहुँचाया गया था। धनबाद में राष्ट्रीय कोयलियरी मजदूर संघ की ओर से 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मजदूरों ने बीसीसीएल मुख्यालय समेत कोल इंडिया के सभी कंपनियों के समक्ष प्रदर्शन किया। हम लोगों के अभिभावक बोर्ड का गठन कर दिया, आईएनटीसी को किसी न किसी बहाने से बाहर रखा, तो भी हमारी कोशिश है कि मजदूरों का 10वां वेतन को चालू हो जाए और जो दमनकारी काम ये कर रहे हैं और इंदिरा जी का सपना था मजदूरों की जिंदगी सुधारने का, उसको निजीकरण में परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसको हम कतई होने नहीं देंगे। इसका मीटिंग है हम लोगों का, ये सारे जगह हो रहा है, सीसीएल में, बीसीसीएल में, ऑल इंडिया में। हम लोग मजदूर के डिमांड के लिए बीसीसीआई में आपसे अनुरोध करूँगा, इसको जो है हम लोग अपने डिमांड में जो है चाहते हैं कि मजदूरों का जो है वेतन का समझौता सही तरीके से हो, ताकि जो है मजदूरों को डिमांड मिले। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीडीसी कुलदीप चौधरी और धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के अलावा जिले के कई अधिकारी शामिल हुए। डीडीसी कुलदीप चौधरी ने स्लोगन और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से तमाम जनता से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर प्रयास करने चाहिए। खासकर धनबाद में तो बहुत ही गड़बड़ है और जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात सरकार कर रही है और उस पर जितनी भी योजनाएं चला रही है और हर योजना में वो महिलाओं पे स्ट्रेस दे करके और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उसके बावजूद भी ये प्रयास वर्षों से चल रहा है, उसके बावजूद भी ये पब्लिक अवेयरनेस के कारण इसमें मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप सबको अगर लेंगे तो केवल पब्लिक अवेयरनेस ही एकमात्र मामला बच गया है, जिसके कारण ये चीज़ आगे नहीं आ पा रही है। स्लोगन और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सांकेतिक तौर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधि पदाधिकारी तमाम जनता से ये अपील है, यह एक संबोधन और एक संवेदनशीलता है कि भाई आप यहाँ पर आएँ इस गंभीर विषय पर, जिससे कि आज ना केवल हम जिला स्तर पर राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्र स्तर पर प्रयासरत रहे कि भारत की जो बेटियां हैं उनको हर तरह से सुदृढ़ किया जाए, सशक्तिकरण उनका हो। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड में राज्य की जनता को झारखंड डाक परिवहन में डाक विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। इसके लिए नई वेबसाइट www.jharkhandpost.in की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत राज्य में विभाग की हर तरह की जानकारी आसानी से लोगों तक पहुंच सकेगी। वर्ल्ड पोस्ट डे है तो हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, हमने कर दिया इंडिया झारखंड पोस्टल सर्कल का जो वेबसाइट है। इसके अलावा आज हमारे मंत्री जो हैं मनोज सिन्हा जी संचार मंत्री, वो आज इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा ई IPO भी की जो सर्विस है वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली RTI एप्लीकेशन के लिए लोग यूज कर सकते हैं, जो फीस देते हैं हम RTI एप्लीकेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।